नमस्कार। तिनका तिनका जेल समाचार में आज जेलों में शिक्षा। किसी ने कहा था कि अगर आप किसी को उसी विधा के साथ रिहा करते हैं जिसके साथ वो जेल के अंदर आया था, तो वो जब बाहर जाएगा तो अमूमन उन्हीं गतिविधियों में फिर से शामिल होगा जिनकी वजह से वो जेल में पहुंचा था। यही वजह है जेलों में शिक्षा का होना ज़रूरी है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2018 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में इस समय करीब 4,70,000 बंदी जेलों में हैं। इनमें से करीब 40% बंदियों की शिक्षा 10वीं से कम है। करीब 1.7% बंदियों ने पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की है। सबसे ज्यादा शिक्षित बंदियों में सबसे आगे है उत्तर प्रदेश और हरियाणा। इस समय कोरोना की वजह से जेलों के अंदर मुलाकातों का दौर बंद है। टेलीफोन संवाद का इकलौता साधन है। बहुत से रास्ते बंद होने से अवसाद बना है, लेकिन कुछ जेलें ऐसी हैं जो शिक्षा के जरिए इन बंदियों की हिम्मत को फिर से बढ़ा रही हैं। ये बंदी अगर पढ़ेंगे तभी जेलें भी बढ़ेंगी और सुधरेंगी। कोरोना के इस दौर में ये समझना ज़रूरी है कि बाहर की दुनिया जब अपनी चिंता कर रही है तो थोड़ी सी चिंता उन बंदियों की भी करनी चाहिए जो सिंकचों के उस पार हैं, और वो भी पढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। वर्तिका नंदा, तिनका तिनका के लिए।